नमस्कार, बेबाक बात में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। कांग्रेस के भीतर से इस तरह की चालें चली जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया संदिग्ध हो जाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संदिग्ध बनाने के इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने शुरू की है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने 8 मार्च को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि सिंधिया जो कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में थे, अब वह बीजेपी में पिछली सीट पर बैठे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम करने, संगठन को मजबूत करने का विकल्प मौजूद था। यहां तक कि मैंने उनसे कहा था कि वह एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने कहा, मुझसे लिख कर ले लीजिए, सिंधिया भाजपा में रहते हुए कभी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसके लिए उन्हें कांग्रेस में लौटना होगा। राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला ये कि सिंधिया को खुला ऑफर है कि अगर उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो वे अपने दल बल के साथ कांग्रेस में वापस आ जाएं, कांग्रेस की सरकार बनाए और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाएं। दूसरा, सिंधिया परिवार का आचरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से संदिग्ध रहा है। यही वजह है कि सिंधियाओं को राजनीतिक दल समय समय पर अपने हिसाब से संदिग्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब राहुल गांधी को ही लें, उन्होंने सिंधिया को भाजपा में बैक बेंचर कहने के साथ ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सिंधिया को कांग्रेस में आना पड़ेगा। राहुल का यह बयान कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रणनीति जो भी हो, लेकिन सिंधिया के एपिसोड में राहुल गांधी का आचरण भी संदिग्ध रहा है। राहुल गांधी सिंधिया को क्यों कांग्रेस में नहीं रोक पाए? समय रहते राहुल गांधी ने सिंधिया को क्यों मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया? राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के किस दबाव में थे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया को कांग्रेस की सरकार गिराना पड़ी? कांग्रेस दो भागों में बट गई। राहुल ना तो इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे, ना उन लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे जिन्होंने सिंधिया को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। एक समय था राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की केमिस्ट्री की मिसाल दी जाती थी। राहुल गांधी, प्रियंका, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हमेशा से दोस्ताना ताल्लुक रहे हैं, लेकिन अपनों की अनदेखी के शिकार बने सिंधिया की तब इन दोनों ने कोई मदद नहीं की। उस वक्त कांग्रेस के बुजुर्ग नेता एमपी के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और सुपर सीएम दिग्विजय सिंह के चक्रव्यूह में सिंधिया ऐसे फंसे कि वे खुद चक्रहिंदी हो गए। कांग्रेस के मजबूत नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी में मजबूर से नजर आए। बात सड़क पर आने की हुई तो मुख्यमंत्री कमलनाथ का गुरूर 7वें आसमान पर था। सिंधिया सड़क पर आ गए, उनके 22 विधायकों ने पद छोड़ा और कांग्रेस को भी तिलांजलि दे दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 मार्च 2020 को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। सड़क पर आने के विवाद में कमलनाथ की सरकार जरूर सड़क पर आ गई। इस घटना के तकरीबन एक साल बाद राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर तंज कसा तो सिंधिया का जवाब देना भी लाजमी था। इतनी चिंता राहुल जी को अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की। राहुल गांधी के एक साल बाद सिंधिया पर ताना दिए जाने से सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अन्याय नहीं किया, कांग्रेस ने तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ भी अन्याय किया है, उन्हें कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। मौका था सो शिवराज भी राहुल गांधी के मजे लेने से नहीं चूके। और क्या कहें राहुल गांधी के बारे में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ट्यूबलाइट ही देर से जलती है। भैया राहुल गांधी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कहां गए थे? केवल ज्योतिरादित्य जी के साथ अन्याय नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया के साथ भी अन्याय किया, उनको कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब जब साथ थे तो लात मारते थे और बाहर चले गए तो इशारे से बुला रहे हैं। और राहुल बाबा तब क्या हो गया था जब आपके साथ थे? लेकिन मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। सिंधिया पर राहुल गांधी के बैक बेंचर वाले बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पलटवार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो राजस्थान में कर सकते हैं, वहां उन्हें अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के नेता हैं,
इसलिए राहुल गांधी को सिंधिया की चिंता छोड़कर सचिन पायलट की चिंता करना चाहिए, क्योंकि वे भी सिंधिया के अच्छे दोस्त हैं। अगर राहुल को युवाओं की इतनी ही चिंता है तो उन्हें पायलट को जिम्मेदारी देना चाहिए। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। दो साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पर, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भामरे कर दिए, 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर सिंधिया के मसले पर कांग्रेस की बौखलाहट को आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे में कुछ कांग्रेस ही तो सिंधिया को घर का न घाट का तक की संज्ञा दे रहे हैं। पर आज क्या हालत है, आज बिना परमिशन से न मोदी से मिल सकता है, न नड्डा साहब से मिल सकता है, और उनकी हालत ऐसी हो रही कि घर का कुत्ता न घर का न घाट का, यह हालत हो गई है। आज वो अपना विधान लोकसभा में आखिरी बेंच पे बिठा दिए और बस ताली बजाते रहो, और कांग्रेस में था उसको अपना अग्रिम पंक्ति में बैठता था, पीछे पंक्ति की दूसरी जगह बैठता था, और उसमें अगर वो यहाँ रहता कांग्रेस में तो उसको चीफ मिनिस्टर बनने का ही मौका मिलता। अगर युवाओं की बात आती, राहुल जी कहते नहीं युवा बनना, तो सिंधिया जी का नंबर था। पर अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसको तो ये सब सपने भूल गए, न जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है ना कोई और आगे लागते। 2022 में उनकी हालत अलग और ज्यादा बदतर कर देंगी वो, तो ये सारी चीजें हैं भाई। कांग्रेस में अगर कोई अगर अपनी गलती रियलाइज करके वो कहे मेरी गलती हो गई और माफीनामा लिख के आ जाए तो ले सकते। तो राहुल जी ने कहा कि वो आपस आए तो उसके लिए दरवाजा खुला है। नहीं नहीं, आप सिंधिया जी पेशकश कर रहे हैं तो अगर मान लो अपनी गलती रिलाइज करके आएंगे तो अवश्य हाईकमान माफ कर देंगे, उसको ले भी सकते हैं, उसको कोई दिक्कत बिल्कुल। अगर सिंधिया जी भाई, कांग्रेस का भविष्य तो अपने सामने है, उज्जवल है, और 2023 में कांग्रेस सरकार बनाएगी, लोग परेशान हो गए, तो इस बात को लेकर सिंधिया जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले समय बीजेपी का भविष्य अंधकार में है, तो अभी से वो कोशिश कर रहे हैं और राहुल जी के संपर्क में आ रहे हो। इस सियासी तूफान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के मर्म को हर कोई नहीं समझ सकता। ज्योतिरादित्य के लिए भी कांग्रेस छोड़ना कोई आसान काम नहीं रहा होगा, लेकिन उनके कांग्रेस छोड़ने के एक साल बाद उनको बीजेपी में संदिग्ध बनाने का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। सिंधिया के साथ फिलहाल पूरी बीजेपी खड़ी है, लेकिन जरूरी अब ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद के आचरण को ऐसा बनाए कि कोई उनको संदिग्ध न कह पाए, क्योंकि भाजपा के ये खेमे का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक लंबे समय तक भाजपा से नहीं जुड़े रह पाएंगे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की कार्यप्रणाली में जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पद और प्रतिष्ठा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी, और अब भविष्य में इसी वजह से भाजपा का दामन भी वे कभी भी छोड़ सकते हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से खबर है कि फिलहाल सिंधिया कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वजूद कायम है। आज बस इतना ही, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।